Ibrahim, the Prime Minister of Malaysia. Anwar is on his first state visit to India. He arrived last night and today he was given a grand ceremonial welcome. मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है. मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर. अभी हमारे हालात खराब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुर्जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है. चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलाइशिया को करीब लाए, यानी चाइना देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया. और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हमने तो हम इकट्ठे हैं दुनिया, वो आप कश्मीर इशू को भूल गए हैं. मलेशिया और इंडिया मिलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर सेमी कंडक्टर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, दोनों कंट्रीज के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात की जा रही है, तो दोनों कंट्रीज मिलकर कहां की उठान भरने वाले हैं. है ही नहीं, मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं बुरे हैं, वो असल में कहीं है ही नहीं इस वक्त, वो खला में है. अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहां पे है मामला आईएमएफ के साथ. और आपसे नीचे कौन है, अफगानिस्तान और सीरिया था आपके नीचे. अब तो खैर अफगानिस्तान भी इम्प्रूव कर रहा है, जो चाबहार के जरिए अपने 12 ट्रक उन्होंने चाइना भेज दिए हैं, ये भी बहुत पैसे में, तो आपसे तो आगे जा रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम सोमवार को एक राज्य की यात्रा पर राष्ट्र राजधानी दिल्ली पहुंचे. यह मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत की पहली यात्रा है. पीएम इब्राहिम का हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. पीएम इब्राहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं. भारत आए मलेशिया के प्रधानमंत्री को देख पाकिस्तान मातम बना रहा है. यह वही मलेशिया है जो कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था. भारत और मलेशिया का ट्रेड आज लगभग $20 बिलियन का है और आगे जाकर इसको 30 से 40 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा. मलेशिया ने भारत के साथ बहुत बड़ी डील साइन की है. आज भारत और मलेशिया की दोस्ती देख पाक मीडिया तिलमिला उठा है. पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि पीएम मोदी एक एक करके मुस्लिम उम्मा को भारत ला रहे हैं. कल तक जो हमारे साथ रहते थे वो आज मोदी के कहने पर भारत में बैठकर हमको आतंक न फैलाने की धमकी लगा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान में कोई भी नहीं आ रहा है. आज अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकलता दिख रहा है. आज पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में नीचे से स्थान पर आता है. सर साहब, भारत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि मलेशिया के वजीर आजम आए हुए थे और बड़े वादे वईद हुए हैं. नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालक के करीब आ रहे हैं, जिन ममालक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे. आज इंडिया और मलेशिया मिलके चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है. देखें जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. आप जिसको वो कहते थे वो जिस तरह इंडिपेंडेंट अटॉनमी, स्ट्रेटेजिक अटॉनमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते रहे और ही हैज अचीव्ड. जो अभी रिसेंट में देख रहा हूँ कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर, रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि they have proven themselves as a regional superpower. So वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो financially independent है, किसी के ऊपर depend नहीं कर रहे. दूसरा उनका उनका जो diaspora है, मैंने उनको diaspora कहना छोड़ दिया है, technocrats कहता हूं. उनके technocrats पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं. आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं.
अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाएश, आईएसएस, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं, और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज के उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो जो अपना मुसलसल वो भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, वो मसल अपने फ्लैक्स करते हैं, और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक अटॉनमी का लफज है बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट मेरे ख्याल। अब उससे दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाह रहे थे चीमा साहब, आज पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबर। आप तो कह रहे हैं ना कि वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन खान साहब का आज एक नया इंटरव्यू मंसर पे आया है जिसमें वो बरतानिया के वजीर आजम के मिनते तरले कर रहे हैं, हकीकी आजादी मांग रहे हैं उन लोगों से जो सब कॉन्टिनेंट को बड़ा सा कॉलोनी बना के रखा है। मुझे नहीं पता क्या हकीकी आजादी की माने क्या है, खान साहब की नजर में हकीकी आजादी क्या है, मेरी समझ से बाहर। किस खूबसूरती के साथ लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं और बन रहे हैं। कल ये खबर मैंने, मुझे ये भी पता चला है, सुना है कि खान साहब की मीडिया टॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, और आज ये भी सुना है कि एक दूसरा सेल पकड़ा गया है आज खवातीन अडियाला जेल के अंदर जो मैडम को सर्व कर रही थी उनका, उनको भी एक दूसरा सेल पकड़ा गया है। क्या आप अभी तक इतने इमेच्योर हैं कि जेल को जेल नहीं बना सकते? आपकी हर चीज लीक हो रही है, कमांड ही नहीं है किसी चीज पे। खान साहब मुसलसल अटैक करते हैं कि अडियाला जेल को एक कर्नल चला रहा है, वो कर्नल इतना कमजोर है कि उसको यही नहीं पता चल रहा कि खान साहब बाथरूम से बैठ के इंग्लैंड में बातें कर रहे हैं। उसको कर्नल, वो किस किस्म का कर्नल है, वो कर्नल असली है कि नकली है कर्नल, मुझे तो ये सवाल पैदा हो गया। हाँ, कर्नल लियाकत का पता था जो खान साहब के दौर के अंदर बैठ के कौमी असेंबली में सारे एमएनए की हाजिरी लगाता था, वो देखता था कि एमएनए आज क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो कर्नल असली कर्नल था जो एमएनए को उठवा उठवा के हाजिरियां लगवाता था। लेकिन अडियाला जेल का जो कर्नल है, मुझे उस पर डाउट है वो कर्नल किस किस्म का है, जिसको पता ही नहीं है कि अंदर व्हाट्सएप मौजूद है, वाईफाई चल रहा है, और मुसलसल खान साहब ने 127 आर्टिकल इंटरनेशनल जरीदों को लिखवा दिए, वो कर्नल में मुझे डाउट है। दुनिया कहां जा रही है, आप कहां जा रहे हैं, आप कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। भारत जिस तरीके से, मैं खैर भारत पे पिछले दिनों आपने देखा होगा फॉक्सकॉन वाले पहुंचे हुए थे भारत के अंदर, वो बिजली अपने प्लांट लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो आगे ग्रो कर रहे हैं, और खासकर मोदी साहब का मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर मेरी कौन सा सुनता है, कि 58 मिनट का जो उनको उन्होंने लाल किले से स्पीच दी थी, पाकिस्तानी लोगों को चाहिए था उनको सुनते, उसको सुनते, अंदाजा लगाने की कोशिश करते कि भारत कहां जा रहा है। उसमें मोदी साहब ने डायरेक्ट इस चीज को कहा था कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करना होगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, सिंपल वर्ड्स के अंदर। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही है। अब आपके साथ आज की जो खबर चिमा साहब पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अफगानिस्तान भी अब आगे जा रहा है, उनके मिनरल 12 ट्रक जो है चाबहार के जरिए चाइना जा चुके हैं। इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है तार साहब, इंडिया चाइना तालिबान पार्टनर है, लेकिन और चाइनीज खुद कहते हैं कि वी फील सेफ डूइंग बिजनेस इन अफगानिस्तान, ये उनकी स्टेटमेंट है। आपके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, अगर कुछ सोचे तो कि अब अफगानी भी चाइनीज अफगानिस्तान को प्रेफर कर रहे हैं, वो लोग जिनके पास कोई आईवी लीग स्कूलों की डिग्रियां नहीं है। तो हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इसका इंडिया के साथ, इंडिया में इस तरह होता है, कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने उनके आर्मी चीफ जो है वो बाहर सेटल्ड है, कितने चीफ जज उनके बाहर सेटल्ड,